हेलो गाइस, तो आज मैं बना रही हूँ कोपल के पत्ते की सब्जी। तो उसके लिए सबसे पहले पत्तों के पीछे ये जो डंडा निकला हुआ है ना, इसे काट लेना है। अब एक बर्तन में बेसन ले, उसमें डाले स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्ची लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर और दो फाक आम का अचार, और पानी डाल के थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना ले। और अब कोपल के पत्तों पे बेसन का लेप लगा के एक के ऊपर एक रखना है। जब 8 से 10 पत्ते हो जाए तब उसे गोल गोल करके मोड़ लेना है। और अब एक बड़े साइज के कोपल के पत्ते में डालकर उसे अच्छे से कवर करके धागे से बांध लेना है। और अब इसे 10 से 15 मिनट तक उबाल लेना है। उबलने के बाद इसे पंखे के नीचे ठंडा होने छोड़ दें। और अब इसे पीसेस में कट करके फ्राई कर लें। अब ग्रेवी बनाने के लिए मिक्सी में सरसों, लहसुन, प्याज डालकर पीस लें। कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें डालें मिर्ची, जीरा और सरसों का पेस्ट डाल के अच्छे से भून लें। अब डालें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी। अब डाल दी 2 चम्मच मिर्ची पाउडर और जब तेल छोड़ दे तब इसमें पानी ऐड कर लें। अब इसे 5-10 मिनट तक अच्छे से उबलने दें। अब इसमें एक एक करके कोपल के पत्ते की पकौड़ी ऐड कर लें। बस इसे 2 मिनट और उबलने दें। बस रेडी है कोपल के पत्ते की सब्जी। देख रहे हैं ना, ये कितना लजीज दिख रहा है।